सब्सक्राइब कीजिए शब्द सम्राट न्यूज चैनल को और बेल आइकन को भी दबाइए लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, शब्द सम्राट न्यूज में आपका स्वागत है। मुंबई से सटे उल्हासनगर के कैंप क्रमांक 3 के पैनल नंबर 11 लोकमान्य तिलक नगर खेती एरिया में कई सालों से शौचालय की हालत खराब होने के कारण वहां के स्थानिक नागरिकों को हो रही तकलीफ को देखते हुए शिवसेना विभाग प्रमुख श्री सुनील सिंह कलवा जी व समाज सेविका किरण चिमनानी ने पूर्व उपमहापौर श्री जीवन इदनानी जी को इस समस्या से अवगत करवाया। वही जीवन इदनानी जी ने उनकी समस्या से छुटकारा दिलाते हुए आज नए शौचालय का भूमि पूजन उपमहापौर श्री जीवन इदनानी जी के हाथों संपन्न हुआ। इस अवसर पर पूर्व नगर सेवक इंदिरा उदासी, पूर्व नगर सेवक सुनील गंगवानी, किशन कुकरेजा, कुणाल गोखलानी, पंकज खिलवानी, मोहन मूलचंदानी, नीरज मखीजा, सन्नी राजा यादव, भान सिंह यादव, श्याम वालेकर, किशन यादव, वर्षा लिलवानी, मधु जादवानी, रोमा बेलेल, गीता विश्वकर्मा, सोनी पंजाबी और सभी पदाधिकारी व स्थानिक नागरिक उपस्थित थे। श्री रामचंद्र भगवान की जय। ये लेकर जाना। दादी लेके जाओगे तो। मंत्री हाँ भाई, ये लो बेटा। हाँ श्याम मंत्री तो है। मंत्री को जाओ पीछे। सब अंदर बैठे इनको अंदर अंदर अंदर। आप मंत्री का है। बोला प्यार से बोला जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। प्रभु श्री राम के नाम से शुरुआत करते हैं। आज लोकमान्य तिलक नगर खेती, जिसको खेती भी कहते हैं, खेती बची नहीं, कुछ फसल होती नहीं है, लेकिन लोगों ने ये खेती को बसा दिया है, उन्होंने इसको अपना निवास स्थान बना दिया है। तो भगवान ने यहाँ के रहवासियों को यहाँ रहने के लिए, अपना घर बसाने के लिए जगह दे दी है। बहुत ही अच्छा है, हर एक को अपना अपना परिवार संभालने के लिए यहाँ जगह मिल गई है। लेकिन यहाँ पे कुछ सुविधाओं की कमी थी। यहाँ पे जो आप पीछे देख रहे हैं, ये एक पुराना लैट्रिन था, पुराना संडास था, जो किसी काम का नहीं था। कलवा भाई के कहने पे, इंदिरा भाभी जी के कहने पे, हमने यहाँ पे नया संडास पास करवाया। ये 10 सीटर संडास है, 5 महिला 5 जेंट्स। हो सका तो इसको 1-2 सीट और भी हम जोड़ने की कोशिश करेंगे। ये जो काम है शुरू हो चुका है। पहले ये जर्जर हालत में था, भंगार हालत में था। अभी महानगर पालिका की तरफ से इसका तोड़ने का काम शुरू हो चुका है। 1-2 दिन में ये पूरा टूट जाएगा और नया संडास बनने का काम शुरू हो जाएगा। मैं कलवा भाई को, इंदिरा भाभी को बधाई देता हूँ कि उन्होंने ये एरिया में काफ़ी ध्यान दिया है और यहाँ का काफ़ी काम करवाया है ये इलाके में, और आगे भी इसी तरह से ये इलाके में काम करते रहेंगे और इस इलाके को सुंदर बनाएंगे।
और मैं यहाँ इस इलाके के लोगों को आश्वासन देता हूँ कि हम आपके साथ में हैं, आपके साथ में रहेंगे, आपको जितनी सुविधाएं हैं मिलनी चाहिए वो आपको मिलेगी। धन्यवाद। मैं कलवा की हमारी हूँ कि हम इनके पास कुछ भी काम के लिए जाते हैं, हमारा काम तो सब कुछ होता है। अजीम भाई के भी शुक्रगुजार हूँ कि इनके पास भी मैं जाती हूँ, मेरे सीए इनके सिवा मेरा कोई काम नहीं। लेकिन यहाँ पे बहुत दिक्कत है, बहुत मतलब बहुत ही दिक्कत है। अभी नाला नहीं बना है, बाथरूम का भी बहुत दिक्कत है, थोड़ा भी पानी बरसता है बाथरूम भर जाता है। सफाई करने वाले 9 बजे आते हैं, 6 बजे लेडीज़ बाथरूम जाती है, तो उसमें इतनी दिक्कत है। जैसा ये काम हो रहा था तो मतलब अच्छी बात है, लेकिन उस तरफ भी देखिए थोड़ा डबल कर देंगे तो हमारी महिला लोग के लिए ऊपर सुविधा हो जाएगा कि थोड़ा सा पानी भरता है तो बाथरूम भर जाता है। और नाले की भी 3 गली में बहुत दिक्कत है, बहुत मतलब बहुत अधिक दिक्कत है। आपके आपके माध्यम से ही सबको बताना चाहता हूँ कि जो आपकी डिमांड है डबल करने की, वो अभी है चुनाव हो जाने दीजिए। अब कल से चुनाव शुरू हो जाएगा, ठीक है, तो 2 महीने तक कोई भी काम हमारे नहीं साथ होगा। में देखो लेडीज लोग इतनी जनिया है, कितना कितना प्रॉब्लम है, आ जाओ सब लोग आगे आ जाओ। 2 महीने तक कोई भी सरकारी काम नहीं होता, नहीं होगा। तो होने के बाद आप हमसे मिलना भूल तो जाएंगे नहीं, नहीं नहीं वो तो अगर हम भूल जाएं तो आप हमें याद दिलाना, नहीं, नहीं, हम नहीं। आपका वो काम भी कर देंगे। बस 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 सही है। अभी हम मंत्री जी का स्वागत करेंगे, ये भी बार बार हमको पकड़ के यहाँ बुलाता है, ये कमी है, ये कमी है, ये काम करो, ये काम करो। अभी सब बोलने वाले ही इंसान खड़े हैं, बोलते रहते हैं ऐसा करो ऐसा करो, मेरे को कोई बोलता हो तो मैं भाई को पकड़ता हूँ। अभी थोड़े दिन चुनाव है, जी जी, उसमें कोई काम नहीं होगा, जी हाँ, अंदर से तो लग जाएगा। हाँ, साफ सफाई के अलावा तंग मत करना, बस साफ सफाई बहुत तकलीफ होगी, खास करके करके दे दीजिए। साफ सफाई के लिए हम बंदे हुए हैं, को विश्वास है ये आप आ जाएंगे तो एरिया में हमारा उद्धार है, हमारा भाई खड़ा है, वो तो पहले बोला है। हाँ, तो उसके अलावा मेरा यहाँ पे सब कुछ गया है, मैं यहाँ भूलूंगा नहीं। जवान है भाई तेरी खाली खेती खेती। हाँ हाँ, हमारे साथ में कलवा भाई बहुत अच्छा काम किए, बचपन से रहते हैं, और ये जीवन इजलानी भाई भी, चाहे बेटा समझो चाहे भाई समझो कुछ भी, हम इनको बहुत बरसों से पहचानती हूँ, बरसों से बहुत अच्छे हैं। हमारे ऑफिस में भी कोई भी काम होता है करते हैं, और इधर भी करेंगे, हमको आशा है, विश्वास है हमें। बस बहू को घूंघट में रखने बोले बोले सही किया, कोई जेंट्स भी बोले। नमस्कार भाई, आगे जो है सब काम अच्छा हुआ है और आगे भी अच्छा होएगा, इतना तो मैं उम्मीद रखती हूँ। मगर एक कमी है, मेरे गली में गली नहीं बना है, और बाढ़ आता है तो इतना इतना पानी भर जाता है, और उसका मेरे को बहुत तकलीफ है, हम लोग को पीछे का हाँ, उसको एक बार देख लो, रिक्वेस्ट करके देख लेते हैं, कलवा भाई आएंगे देख लेंगे। हाँ, और बारिश के पहले पहले आपका ये जो कम्प्लेन है उसका चलो धन्यवाद है, इसका ही हमको उम्मीद है, धन्यवाद। नमस्कार, शब्द सम्राट न्यूज में आपका स्वागत है।